हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम इस एग्जॉस्ट फैन को डैमर स्विच लगाने वाले हैं, मतलब इसका फैन स्पीड हम कम करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड है और इसका साउंड नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा आता है। मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ इसका साउंड कितना है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो, इसका फैन स्पीड बहुत है और इसका साउंड भी बहुत आ रहा है। तो हम ये जो डैमर स्विच है इसे लगाने वाले हैं और इसे इंस्टॉल करके देखते हैं इसका स्पीड कम होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसका वायरिंग अंदर की तरफ आता है। जैसे हम इसे ओपन कर देंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद हमें ये हटाना पड़ेगा। ये हटाने के बाद हम इसे भी हटाएंगे। और यहाँ पे हमें वायरिंग देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें मेन इनपुट देना पड़ेगा फेज, यहाँ पे देना पड़ेगा न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल का आउटपुट और यहाँ पे फेज का आउटपुट। हम इसके अंदर फेज का आउटपुट देंगे तो ही हम फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मोटर का आउटपुट देंगे तो ये फैन स्पीड कंट्रोल नहीं होगा। तो चलिए अभी इसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, इस डिमर स्विच को हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। ये मोटर को जाने वाला पावर सप्लाई है, इसे हम सबसे पहले हटा देते हैं। तो इस वायर को हम इसके अंदर लगा देते हैं कुछ इस तरह से। ये आ गए इसके अंदर। और एक वायर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ये रहेगा इसका इनपुट और ये रहेगा इसका आउटपुट। तो अभी हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो डिमर स्विच के आउटपुट का फेज हम यहाँ पे लगाएंगे। न्यूट्रल यहाँ पे मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल हम इसके अंदर लगाएंगे। मेन इनपुट का फेज यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा इसका मेन इनपुट और ये रहा आउटपुट। उसके बाद हम अर्थ को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। अच्छा, इसका प्रॉब्लम क्या है, कुछ पता चला? स्पीड कम कर रहा है फैन। हाँ, सही है।
हाँ स्प्लिट, ये पुट लगा रहा है क्या? हाँ स्प्लिट वो लगा रहा है। तो दोस्तों अभी इसका पूरा कनेक्शन हो चुका है और अभी हम इसे ऑन करने वाले हैं, तो देखते हैं चालू होता है या फिर जलता है। अभी हमने पावर ऑन किया है और यहाँ से हम इसे ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हम ये नया लेके आए हैं, ये साइज में बहुत बड़ा है। ये दिखने में कुछ इस तरह से, इसको पीछे की तरफ हीटसिंक भी है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से हम फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरह से पीसीबी मिलता है, ये इस लाइन न्यूट्रल और हेल लाइन न्यूट्रल मोटर के लिए, और ये जो कनेक्टर है इसे हम इसके अंदर लगा देंगे। तो चलिए अभी इसका वायरिंग करते हैं।
तो दोस्तों अभी पूरा कनेक्शन हो चुका है और हम इसे ऑन करके देखते हैं ये चलता है या फिर नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एग्जॉस्ट फैन चालू हो गया है, लेकिन अभी हमने इसे हाई स्पीड पर रखा है। इसका स्पीड हम लो कर देते हैं। अभी भी इसका स्पीड कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी देख सकते हो आप तुरंत इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम जैसे थोड़ी देर वेट करेंगे तो इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। शायद इसके अंदर कुछ डिले टाइमर है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए अभी तक ये फुल स्पीड पे है, लेकिन हमने यहाँ पे मिनिमम किया है, तो हम वेट करते हैं। और तो दोस्तों एक मिनट हो चुका है और उसके बाद आप देख सकते हो इसका स्पीड लो हो गया। अभी जैसे मैं बढ़ा देता हूँ ये तुरंत बढ़ जाता है। और जैसे मैं कम कर देता हूँ ये कम हो जाता है। ये हो गया कम। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।